सागर थाना अंतर्गत ग्राम पीपलिया के समीप बगड़ी के एक सोने चांदी के व्यापारी के साथ लूट की वारदात हुई है। व्यापारी साप्ताहिक हाट में प्रति सप्ताह आभूषण की दुकान लगाता था, तभी शाम 6:30 बजे के दरमियान व्यापारी के साथ अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात की। बदमाशों ने सुनसान सड़क पर दोपहिया वाहन कार के आगे गिराकर व्यापारी का वाहन रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इसमें व्यापारी को मुंह में चोट आई है। इधर लूट की वारदात में करीब 13 लाख से अधिक का सोने चांदी का आभूषण बदमाश लूट कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद सागर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बगड़ी के व्यापारी चंदन सोनी करीब 15 वर्ष से सागर से साप्ताहिक हाट में सोना चांदी के व्यापार की दुकान लगाता है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सागर से निकला और बगड़ी के लिए निकला था, तो बीच में आता गांव सुहागपुर, उसको क्रॉस करा। पिपलिया के पास में एक टर्न आता, टर्न पर मेरे को चार जनों ने गाड़ी मेरी मारुति के आगे गाड़ी भटक दी, मोटरसाइकिल आड़ी और लट्ठी, चारों ने लट्ठी निकाल ली और कार के चारों कांच फोड़ दिए, तो मेरे को मारा भी। कितनी बजे की? ये 6:10 की बात है। क्या ले गए लो? चांदी सोने का झोला था मेरे को ले गए। कितना होगा उसमें रकम? मैं करीब रकम थी 9,10,000। कहाँ से आ रहे थे? सागर से बाजार करके पगड़ी के लिए निकल रहे। क्या नाम है पूरा? चंदन सोनी है। चंदन सोनी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।